फाइनली अब हम माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और काफी श्रद्धालु आए हुए, बड़ी थकावट हुई हमें। अब हम लकड़ी लाने जा रहे हैं जंगल से। हेलो गाइस, इस तरफ जा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। फाइनली हमारा टेंट हो चुका है तैयार। वाह, अब ये देख सकते हो आप, यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर खाना बन रहा है, यहाँ पर लगता है कि बारिश तो आने वाली आ जाए। ऊपर बादल देख सकते हो आप, आपका व्यू देख सकते हो, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल भाई। तो फाइनली सुबह हो चुकी है, सुबह के 5:30 हो चुके हैं अब। तो हम अब निकलने वाले हैं, अभी हम अपना टेंट क्लोज कर रहे हैं, ये देखो। तो टेंट क्लोज करके बस हम निकलने ही वाले हैं, बाकी लोग तो चले गए हैं, बस हम दो ही रह गए, बस हम भी निकलने वाले हैं अभी। तो मिलते आगे, सबसे पहले इस पहाड़ी को चढ़ेंगे, ये सबसे खतरनाक वाली पहाड़ी है, बिल्कुल सीधी। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे,
तो मिलते आगे आपसे। अभी हम थोड़ी सी ऊपर पहुंच चुके हैं हमारी सांसें अभी से जो कि फूलने लगी हैं, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ओ व्यू देख सकते हो आप यहाँ का, अभी तो बहुत ऊपर है तो बड़ी थकावट महसूस हो रही है, क्या करें चढ़ना तो पड़ेगा ही। आज मेरे को लगता है भीड़ भी बहुत होगी मंदिर में, तो बस दिखाते हैं आपको चलते चलते। हम व्यू देखो, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा जो है ये टेंट लगाया था हमने और काफी ऊंचाई तक आ गए हम। हमारे सचिन जी तो बहुत ही थक गए हैं और चढ़ाई, जैसे यहाँ पे हमारा टेंट लगा था ये दिखाई दे रहा है, खुद सोच लो कितनी ऊंचाई। और यहाँ पे हमने लगभग दो पहाड़ कंप्लीट कर लिए हैं तरीके से। घाट संभव यहाँ पे आप हमारी गैंग, वाह शेरू साहब यहाँ पर चले बहुत ही थक गए हैं और पीछे संजय भाई, इनको बड़ी थकावट महसूस हो रही है। ये इलेक्ट्रिशियन के इंजीनियर। जो है तीन लोग ही सिर्फ आगे चढ़े हैं, बाकी तो हमारी गैंग पीछे रह गई है। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, सी द व्यू। अब हम आ चुके हैं ब्रास के फूलों के पास, जिसको हम पहाड़ी भाषा में चचूं के फूल बोलते हैं, चचूं जिनकी चटनी बनती है। तो आपको आगे दिखाते हैं हम अच्छे तरीके से चचू के फूल जो हैं, ठीक है, ठंडी तक सीर के होते हैं। हाँ और व्यू तो आप पीछे से देखते आ रहे हो। यहाँ पर आसपास तो ढंग से लगे नहीं है, नीचे झाड़ियों में है, तो जरा सब्र करिए। हाँ और ये जो बाड़छे हैं इनमें भालू वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मार्केट में बहुत ही महंगे बिकते हैं ये, क्योंकि ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये देखो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इस तरीके से इनके पेड़ होते हैं, इस तरह से होते हैं। हाँ इस तरह से देख सकते हो आप, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये देखो कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी तो अभी ये सूख चुका है, केवल एक ही मिला हमें, इतनी खोज करने के बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त प्यास लग चुकी है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। फाइनली अब हम माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और काफी बड़ी
थकावट हुई हमें, अब बताते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं आगे मंदिर। मंदिर में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, बहुत ही भीड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में भीड़ कितनी है, बहुत लाइनें लगी हैं पीछे से ही। अभी लंगर भी लगा, हम पहले लंगर खाएंगे, भूख बहुत लगी है, भूखे आए हम। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर की वीडियो तो आपको दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे पास है नहीं, बनाना नहीं देते हैं, तो बस आगे बताते हैं आपको थोड़ा सा। क्या लोकेशन है यहाँ की, और वाह हमारा मंदिर आ गया माता जी का। तो दर्शन तो हो गए, अब वहाँ पर हेलीपैड है, मतलब तो ख़राब हो गया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता इधर, ऐसे ही बनाए थे टेम्परेरी। अब फोटोग्राफी चलेगी, तो फोटो खींच लेते हैं हम। यहाँ पर वहाँ पर है हेलीपैड, वो दिखा दे रहा छोटा सा, अगर टाइम मिला तो आपको बताऊँगा। बाकी आप भीड़ देख ही सकते हो किस तरीके की। तो ठीक है दोस्तों, अब हम फोटो वगैरह लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो मत करना, वीडियो देख लेना एक बार, उसके बाद ही लाइक करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी।